इसको क्या बोलते हैं अंकल? चाकू। चाकू बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो मेरे को वो लग रहा है वो चिकन मटन काटने वाला होता है ना, वैसा है। जनकपुरी समझिए कि सीता जी को वहाँ से ले आके जनकपुरी, जनक जी हाँ। वो अपना समझिए कि राजपाट में ले गया था। अच्छा, वो जो जहाँ सीता जी उखड़ा था। अच्छा, जमीन से निकले थे हाँ, तो वो सीतामढ़ी था। अच्छा, इसलिए सीतामढ़ी बुलाते उसको, सीतामढ़ी बोला जाता है। तो ये कर्जा वर्जा नहीं चढ़ा था ना आपके ऊपर? कर्जा चढ़ गया था। उसका कर्जा चुकाने के लिए यहाँ पे मुंबई में आया कि उसका कर्जा कैसे चुका? नहीं, तो उसको दिए नहीं भाई उसको दिए नहीं जब आप बोल रहे हैं कर्जा लिए थे लेकिन दिए नहीं, दिए नहीं। अरे हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है बम्बई वाले पे। मेरा नाम है विशाल और मैंने हाथ में देखो क्या लेके रखा है, इसको क्या बोलते हैं अंकल? चाकू। चाकू बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो मेरे को वो लग रहा है वो चिकन मटन काटने वाला होता है ना, वैसा है। लेकिन मैं बैठा हूँ इस समय अंकल के साथ इनकी दुकान पर, नारियल पानी की दुकान पर। देखो हरा हरा नारियल एकदम मस्त। तो अभी मैं आया इनके दुकान पर, मेरे को थोड़ा तबीयत खराब है तो नारियल पानी पीता, ठीक। मैं सोचा था अंकल से बात कर लें, एक दिन मैं अंकल से वो मिला था तो बोला था कि अपन बात करेंगे, अंकल ने भी बोल दिया था हाँ ठीक है। तो आज फिर से इस एरिया से निकलना हुआ तो मैं बोला कि अंकल से बात कर लेते, थोड़ा मेरा तबीयत डाउन है, लेकिन चलो स्टार्ट करते। तो पहले सबसे पहले जानेंगे अंकल का नाम काम तो दिख ही रहा है आप लोग को, और कहाँ से क्या है जो भी दिमाग में रहेगा अंकल से बात करेंगे, ठीक है। तो चलो अंकल बताओ आप कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से, तो बिहारी बाबू आपका नाम क्या है? हमारा नाम विनोद दास है। थोड़ा तेज बोलिए, थोड़ा आवाज़ माइक में आए। हमारा नाम विनोद दास है। विनोद दास। अच्छा विनोद जी, कितना उम्र होगा आपका? 38 है। 38। ये सब ये जो नारियल पानी का आप काम करें कब से कर रही है सर? ये हो गया समझिए कि अढ़ाई तीन महीने। अढ़ाई तीन महीने से कर रहे हो, इसके पहले क्या करते थे आप? इसके पहले बाजी बेचता था। तो क्यों, बाजी में मज़ा नहीं आता था? नहीं। क्यों? बहुत लॉस गया था। अच्छा, लॉस चला गया था। तो ये कैसा चल रहा है? मस्त चल रहा है। ये मस्त चल रहा है। हाँ, मतलब प्रॉफिट है, अच्छा खासा आ रहा है। हाँ, मतलब ऐसा ऐसा बता तो कितना आ रहा है दिन का? लमसम 500 रुपया आ जाता है। 500 आ जाता है, मतलब 500 आता है दिन का गाइस। जो आपके लिए 500 रुपया बराबर है, ठीक है एक दिन? नहीं, कम है। कम तो है ना, कम है, धीरे धीरे ना धंधा जमता है। तो ये यहाँ पे आप कब से लगा रहे हो इस जगह पे? ये दो अढ़ाई महीने हो गए। यहीं से स्टार्ट किया आप और कोई दूसरी जगह नहीं लगाया था? नहीं। चलो अच्छा है। नारियल पानी तो कैसे जाता है एक नारियल पानी आपका? ये 50। एक 50 रुपये का आप खरीदते कितने में है? 38 में आपको एक पड़ता है, बेचते 50 में। चलो गाइस, धंधा तो अच्छा है मैं भी सोच रहा इन्वेस्ट कर दूँ, लेकिन ठीक है अंकल बहुत अच्छा काम कर रहा। तो आप ये बताओ, शादी हुई तो हो ही गई है आपकी, कितने बच्चे हैं आपके? तीन। तीन बच्चे, सब पढ़ रहे हैं? हाँ। मतलब मुंबई में पूरा फैमिली? मुंबई में। सब पूरा परिवार आपका मुंबई में? गाँव में? गाँव में कुछ नहीं। गाँव में मम्मी पापा आपके? वो डेथ हो। अच्छी बात है, सॉरी। सबको परिवार को इधर ही लेके रखते, तो कहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे? इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, कब से स्कूल में पढ़ रहे? अभी तो आया है। अच्छा, अभी लेके आए? अभी एक हफ्ते हुआ है। अच्छा, फैमिली को लेके आए एक हफ्ते हुआ? पहले गांव में रहते थे? पहले गांव में। अच्छा, चलो बढ़िया है। मेरे को नॉर्मली आपसे ये जानना है कि अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, तो कुछ चल रहा है दिमाग में कि क्या करना है, कहाँ पे वोट देने जाना है कि नहीं जाना? आपका वोटिंग बिहार में ही होगा ना कि यहाँ पे? नहीं, वोटिंग बिहार में। बिहार में है ना, तो जाना है देने वोट? वो तो जैबे के नहीं है, समय समय के अनुसार जाना पड़ता है। तो वोट देने तो जाओगे, एक महीना पड़ा है अभी, तो सोचा है बिहार में कुछ काम हो रहा है आपके आसपास में, किसको वोट देना है, क्या है, कौन पसंद आ रहा है आपको? देखिए, कुछ तो इंसानों गलती करता है, अब कुछ नेता लोग गलती करता है, कुछ पैसे लेके समझो कि वोट देते हैं, जिसको जिता देते हैं वो अपनी घर बढ़ता है, गरीबों को तो कोई दिखता नहीं। तो जात पात तो बिहार में बहुत ज्यादा है ना? जात पात देखिए, अब हिंदुस्तान ऐसा हुआ कि जात पात के कोई मानवता नहीं रह गया। अरे लेकिन वहाँ पे तो यादव को वोट दे रहा, मैं ऐसा सुनता हूँ। ऐसे कोई बात नहीं है ना। तो बिहार में मेरे को ये समझ में आता नहीं है, बिहार देखो मोदी जी को वहाँ से बहुत ज्यादा वोट मिला था, है ना? वहाँ से मतलब 40 सीट आई थिंक, तो वहाँ पे 39 सीट का उनको मोदी को मिला हुआ है। लेकिन वहाँ पे जो है एयरपोर्ट भी सही से नहीं है बिहार में, वहाँ पे मोदी जी खुद के प्लेन से भी नहीं जा पाते, इतना बेकार सा है। तो गुजरात जहाँ पे उनको उससे भी कम मिलता है वो, 36% मिलता है, 36 सीटों पर मिलता है, वहाँ पर 39 मिलता है, वहाँ पर तो ज़्यादा मिलता है, फिर भी वहाँ पर काम क्यों नहीं हो रहा है? नीतीश जी जो है आपके वहाँ पर,
कुछ तो नीतीश जी ऐसा कांड करते हैं कि पार्टियों के नाम बुरा देते हैं। अभी हाँ देखिए पलटी मारे हम पार्टियों के नाम बुरा देते हैं, इस पे समझे कि पब्लिक खोल जाता है, नहीं तो समझे कि नीतीश कुमार समझे 20 साल से जीत रहे हैं तो पब्लिक ही जिता रहा है, पब्लिक जिता रहा है। तो पिछली बार तो कम मिला था तभी भी बीजेपी वालों ने उनको सीएम बना दिया, सीएम बना दिया, सीएम ही बन गया। मगर पब्लिक उससे खोल गया है, पब्लिक नीतीश कुमार से नहीं चाहता है, नहीं चाहता है। क्यों? जो लॉकडाउन लगा था वो लॉकडाउन में नीतीश ने कहा, किसी ने हाथ उठा दिया कि भाई जहाँ कर दिया था जहाँ रहना है वहीं रहो, आना नहीं। वो तो मैंने उस टाइम पे मेरे को ही पता चला था। तो गलती इसलिए है कि पब्लिक इसलिए खोल गया है, एक तो समझो कि उस समय में धंधा पानी किसी के पास नहीं था, लॉकडाउन में तो सबका वही चल रहा था। जो 75% जो आदमी बाहर रहता है उसका खुद का घर तो है नहीं, हाँ, वो तो किराए पर रहता है, किराया वो देगा कहाँ से, धंधा ही नहीं चल रहा, धंधा ही नहीं चल रहा तो किराया देगा कहाँ से। अब फिर भी समझो कि वो कह रहा है कि वहीं रहो अरे काम धंधा नहीं, हाँ अपने घर पे भी नहीं आने दे रहा बंदा, बॉर्डर बंद करके रख दिया, बॉर्डर पे लगा दिया हो कि नहीं भाई अंदर कोई आएगा नहीं, कोविड आ जाएगा, ये वो तो पता चल रहा था। तो इस बार जो मोदी जी आए हैं, राम मंदिर ये सब बन रहा है, सब चल रहा है, तो उससे क्या है, मतलब लग रहा है फिर से मोदी जी आएंगे? हाँ तो मोदी जी आएगा, मोदी जी आएंगे, बिहार वाली पब्लिक भी मोदी जी को देगी, और क्यों नहीं देगा, जो अच्छा देखिए जो अच्छा काम करेगा। मोदी जी का तो सरकार था ना, फिर से बीजेपी उधर बिहार में भी यार, पहले जब 1.5 साल 17 महीने का तो फिर पलटी मारे हैं, 17 महीने पहले भी बीजेपी ही थी वहाँ पे, बीजेपी थी, क्यों नहीं काम करी बिहार में? उसका तो गुस्सा होना चाहिए ना बिहारियों को, बिहारियों को गुस्सा होना चाहिए, तो मगर मोदी जी को वोट देते मेरे को नहीं समझ में आ रहा उस रीजन में। राम मंदिर अयोध्या में बन गया, यूपी का विकास हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है मेरे को नहीं समझ में आ रहा, बिहार में क्या है, छीना छपटी जाते हैं तो हर जगह है, मुंबई में नहीं है, हर जगह है। सुनिए ना, तो आम पब्लिक छीना छपटी नहीं करते हैं, नेता लोग करते हैं नेता लोग करते हैं। क्या है कि अब इलेक्शन आने वाला है तो आपके भी दरवाजे पे जाएंगे तो हाथ जोड़ राम राम, ठीक है भैया बाबू हम ही के वोट देना, हम ही के वोट देना। जब वो जी जाते हैं कोई काम कराने के लिए जाइएगा तो सीधे कहते हैं कि खर्चा वर्चा है कुछ अच्छा पैसा वापस मांगते हैं आपसे, ऐसा मांगते हैं कि गवर्नमेंट का एक काम करना है लेकिन वो खुद आपसे पैसा। सुनिए आप ठीक बात कहे, दे दीजिए भाई पानी, कस्टमर को दो, कस्टमर देखना जरूरी, उसमें से आप कंटिन्यू करिए। जो उसके पास जाते हैं, जो हम लोग का गरीबों का इंदिरा जी ने जो निकाला था इंदिरा आवास, अच्छा इंदिरा आवास निकला था, मेरे को इसका पता नहीं है, नहीं इंदिरा आवास निकला हुआ है। हाँ। उसके बाद में इंदिरा आवास के लिए अभी मुखिया के पास जाइएगा ना, हाँ। तो मुखिया सीधे कहते हैं कि 20,000 रुपये, अच्छा इंदिरा आवास के लिए 20,000 रुपये, 20,000 रुपये पहले जमा करो, अच्छा तब आपको समझिए मिलेगा कि कागज आगे बढ़ेगा, पास होगा तो समझिए कि 20,000 रुपया उनको पहले दो। जो गरीबों के पास नहीं है वो कहाँ से देगा, मतलब तो उसको घूसखोरी है, घूसखोरी बहुत, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। आप ब्लॉक में जाइएगा वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए, सरकार उसमें पैसे लेता है ना? नहीं, फ्री में बनता है, फ्री में बनता है। आप जाइए चाहे कार्ड अपडेट करवाना हुआ, अच्छा अपडेट कराना है तो आप जाइएगा तो सीधे कहेगा कि भाई 150 रुपये, अच्छा 150 रुपये मांग लेते हो लोग, 150 रुपये। तो ये समझिए कि ये तो सुरक्षा समझो कि नहीं है, वो पब्लिक तो लूट रहा है भाई, उसको काम कराना है, हाँ। नहीं है तो समझिए कि घूम के जाइएगा, कोई काम सरकारी पड़ेगा तो कहेगा आपके कार्ड अपडेट है, ये नहीं है तो क्या करिए, क्या करें, अपडेट कराने के लिए पैसा भी मांगता है, समय भी खराब होता है, लाइन भी, भीड़ में लाइन में भी खड़े रहो। तो इसी से बिहार समझिए कि नीचे है। अरे पहले जब जो बिहार के बारे में मैं पढ़ा हूँ
मेरे को जब पता चला था कि बिहार एक ऐसा वो था जहाँ पे लोग ज्ञान लेने आते थे दूर दूर से, बाहर से, विदेशों से लोग आते थे पढ़ने के लिए। आज वो बिहार है जहाँ पे खुलेआम मारकाट हो रहा है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, कट्टा चल रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। मतलब कि वहाँ पे नकल तो अलग लेवल पे चल रही, पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो हैं उस, मैं अगर पढ़ता हूँ तो मैं फिर वो करता हूँ कि साला मेरे पड़ोसी है, मैं यूपी वाला हूँ, मैं यूपी में भी जाता हूँ, तो यूपी में भी है लेकिन अब यूपी में बहुत कम हो गया, कम हो गया क्योंकि मैं यूपी में रहा हूँ तो मैंने देखा है सब सरकारों को यूपी में। मायावती वाली सरकार भी देखी है मैंने, मैंने अखिलेश वाली भी देखी है और मैं बाबा वाली भी देख रहा हूँ। बाबा वाली एक नंबर है। बाबा वाली नहीं, उनके अंदर भी बहुत सारे फॉल्ट है। बाबा अच्छे हैं, मैं बताता हूँ, बाबा अच्छे हैं, मोदी अच्छे, सब अच्छे, लेकिन उनके अंदर में जो काम करने वाले लोग हैं ना वो हरामी है, खुल के बोल सकता हूँ। ले लो भाई चार्जर ले लो, तुमको क्या दिल्ली भाई के बोल देने लगा। हाँ तो क्या है कि जो बड़े बड़े पोस्ट पे जो लोग हैं ना वो अपने काम में अच्छे हैं, उनके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं ना, जो चमचे हैं, वो लोग क्या है ना ज़्यादा वो कर लेते हैं। और भाई जो आपके पास 10 रुपये आने वाला है, मैं अभी मैं मोदी जी के थ्रू मेरे पास आएगा, मेरे पास से आपके पास आने वाला है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सिर्फ 7 रुपया या 5 रुपया दे रहा हूँ और बोलना आवाज़ मत करना, नहीं तो वो भी 5 रुपया, वो भी 5 रुपया नहीं देगा। तो आपको 5 रुपया मिला इसलिए आप चुप हो, 5 रुपया मैं खा रहा हूँ। ये चीज़ बहुत वो लग रही थी। अब धीरे धीरे चलो सबके अकाउंट में पैसा आ रहा है, लेकिन ये बिहार में जो मैं अभी इलेक्शन के बारे में जब हो रहा था, अभी आने ही वाला इलेक्शन, और उसके बाद फिर मेरे दिमाग में ये चीज़ चली कि बिहार में जो नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं इधर उधर और बिहार के लोगों का उसके ऊपर, फिर भी बीजेपी को उधर वोट दे रहे, बीजेपी का कोई CM भी नहीं बन रहा उधर, है ना। तो कोई और दूसरी पार्टी नहीं है, जीतन अम्बाजी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जहाँ पे ऑप्शन कर भाई एक भी एक बार प्रधानमंत्री CM बना था, मगर उसके अंदर क्षमता चलाने के नहीं है। अच्छा, मतलब काबिल आदमी नहीं है। काबिल आदमी नहीं है वो, किसी के समय डर से छोड़ दिया हो, चाहे किसी के समझिए कि धमकी से छोड़ दिया हो। माझी मतलब होता है मुसहर, वो तो पता है समझे। हाँ, हाँ। जो मुसहर जाती समझिए कि जब बन सकता है तो आम पब्लिक क्यों नहीं बन सकता, बन सकता है, आराम से बन सकता है, लेकिन उनको बनाया गया जब भी तो उनको अपना उनको बनाया गया भी है तो 2 महीने में इस्तीफा दे दिया, तो उसको बनाने से क्या फायदा। अभी बिहार वालों को समझना चाहिए कि भाई क्या फायदा हो रहा है। आप लोग जो वोट दे रहे हो तो आपकी आप कहाँ रहते हो, मतलब सिटी टाइप एरिया में रहते हो कि पूरा गाँव है आपका, ठेठ गाँव नहीं, हमारे समझिए कि सिटी टाइप एरिया, सिटी टाइप एरिया। तो कैसा उधर रोड वोड सब सही है, ओके है। पटना से आपके इधर की दूरी कितनी है? 5 घंटे की है। 5 घंटे का लगता है पटना आपके घर से जाने में, तो कैसे? नेपाल और पटना, नेपाल और बिहार। हाँ। के बॉर्डर पे हम लोग। अच्छा, आप नेपाल के बॉर्डर पे आ जाते हो, तो वो तो बहुत अंदर हो गया सिटी टाइप। तो एरिया सही थे, एरिया सही बनाया आप लोग, एरिया वहाँ सीतामढ़ी है ना। अच्छा सीतामढ़ी, ओके, सीतामढ़ी जानते है, जानकी जानकी जी की जन्म भूमि। हाँ, वो तो नेपाल में ना, जानकी जी का नहीं, वो तो जनकपुरी है, जनकपुरी। हाँ, तो वो जनकपुरी समझिए कि सीता जी को वहाँ से ले आके जनकपुरी, जनक जी। हाँ। वो अपना समझिए कि राजपाट में ले गया था। अच्छा, वो जो जहाँ सीता जी उखड़ा था। अच्छा, जमीन से निकले थे। हाँ, तो वो सीतामढ़ी था। अच्छा, इसलिए सीतामढ़ी बुलाते उसको, सीतामढ़ी बोला जाता है। तो ये वाला इतिहास मुझे नहीं पता था। उसी के समझिए कि 15-20 किलो के अंदर में हम लोग सब हैं। तो आप लोग के इधर पानी वानी सब सही आता है? बहुत फर्स्ट क्लास। तो गवर्नमेंट कर रही है कि आप लोग का ही ये सब? नहीं, गवर्नमेंट भी दिया है, गवर्नमेंट भी दिया है, अपना भी है। हाँ, मतलब वो घर गांव में क्या होता है, सबके घर में लगाया जाता है। गवर्नमेंट ने दिया कि लाइन पाइपलाइन दिया पाइपलाइन, अपना है कि बर्मा है, वहाँ घरे घर बर्मा मिलेगा। वही ना जो नल बोलते हैं उसको चला के पानी निकालते हैं। हाँ, वो मेरे इधर भी गांव-गांव सबके घर घर पे है। और गवर्नमेंट का भी आता है सुबह शाम 2-3 घंटे। हाँ, पानी आता है, जैसे मुंबई में अपना पानी आता है पूरा क्लीन करके, है ना, पीने के लिए। मुंबई भी कभी आए, शिफ्ट हुए आप? मैं बम्बई में 2017 में, 2017 में आए। तब बिहार में ही पहले रहते थे, कहीं और रहते? पहले दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली रहते थे। अच्छा, दिल्ली और बिहार में क्या फ़र्क है? दिल्ली या बिहार में फ़र्क है कि लैंग्वेज का, हाँ लैंग्वेज तो है, लैंग्वेज का हाँ एक चीज़ के फर्क हो जाता है। मतलब कैसा आपको अच्छा लगता है? बिहार में क्या है,
कि बिहार में पहले जो आदमी रहता था ना, जो हमारे समझिए कि उम्र का जो पहले रहता था, तो उसे ढंग से बोलना चलना भी नहीं होता। हाँ, हिंदी बोलने में थोड़ा तकलीफ होती है। हिंदी बोलने हम दिल्ली में कम से कम समझिए कि 22 साल लग गए। 22 साल मतलब बहुत छोटे थे तभी दिल्ली शिफ्ट हो गए। वहाँ जाते थे, काम करते थे, फिर अपना 6 महीने साल भर में एक बार जाए। अच्छा, गाँव चले जाते थे। गाँव चले जाते थे। तो बहुत ऐसी चीज है कि हर एक जगह का भाषा में थोड़ा फर्क है। यही है, यही है कि बहुत अच्छे आदमी भी आते हैं तो भैया बोलते हैं, भाभी बोलते हैं, हम लोग भाभी बोलते हैं। भैया बढ़िया चीज पानी वाला दो, मीठा दो, तो हम देते हैं। कितने आते हैं ना, एक पानी वाला निकाल। अच्छा, मतलब लोंग में लैंग्वेज हाँ थोड़ा सा यहाँ पे है वो आ ज़्यादा टोन के अंदर की बोल। महाराष्ट्रीय लोग को भी थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम होता है, सही बताओ तो। वो भी प्रॉपर हिंदी नहीं बोलते, तो उनका बोलने में रेते ज़्यादा होता है। हाँ, थोड़ा सा रेते लगता है। जैसे कि अपने इधर अगर इस तरीके से जो हम लोग नॉर्मली बात करते हैं मुंबई की लैंग्वेज में, अगर यही प्रयागराज में जैसे अपना वो इलाहाबाद हो गया ना, अगर इस लैंग्वेज में वहाँ पे जाके कोई बात करते ना तो मारपीट हो जाए। मारपीट हो जाए, क्योंकि तुम बदतमीजी से बात कर रहे हो। बदतमीजी से बात कर रहे हो। हाँ, तो ये तो फर्क है। मस्त चल रहा था आपका काम, आप तो वहाँ मस्त चल रहा। तो फिर इधर क्या करने आए आप? वहाँ क्या है कि 2012 में नुकसान मुझे बहुत लॉस हो गया। अच्छा, लॉस में चले गए थे। अपना धंधा जैसे नारियल धंधा खोला था वैसे स्टील के धंधा में खोला था नौकरी छोड़ कर। अच्छा, तो लॉस बहुत गया था। तो लॉस के चक्कर में समझे कि मैं दिल्ली छोड़। अच्छा, रिकवरी करने के चक्कर में जो लॉस हुआ था उसको रिकवर करने के लिए आप इधर शिफ्ट हुए? नहीं, रिकवर क्या, मेहनत कहीं भी करना है। नहीं मतलब कि लॉस जो गया था आपका, तो आपके मतलब ऐसा कर्जा वर्जा नहीं चढ़ा था ना आपके ऊपर? कर्जा चढ़ गया। तो उसका कर्जा चुकाने के लिए यहाँ पे मुंबई में आया कि उसका कर्जा कैसे चुका? नहीं, तो उसको दिए नहीं भाई। उसको दिए नहीं। जब आप बोल रहे हैं कर्जा लिए थे लेकिन दिए नहीं। दिए नहीं। अरे मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? अरे लिंक देखिए, अगर किसी से पैसा ले रहे हैं तो उसको रिटर्न करना भी जरूरी है। रिटर्न ऐसे ना, अब 10,000-20,000 की बात होता है। कितना लेके कर्जा? नहीं बढ़ी 6 लाख रुपये था उसका। 6 लाख रुपये नहीं दियो तो फिर वो बंदा ढूंढ नहीं रहा है आपको? वो पैसे वाला पार्टी है जो करोड़ों करोड़ों में खेल। अरे लेकिन हाँ, उसके लिए 6,000 के बराबर होगा, लेकिन 6 लाख तो बहुत बड़ी रकम है। अगर हो सके तो आपको जैसा अच्छा लगे, लेकिन ये बहुत अजीब हो गया मेरे लिए कि मैं इस पे क्या रिएक्ट करूँ। 6 लाख रुपये आप लिए हो लेकिन देना नहीं है आपको। तो मेरे भी तो गया ना, आपका तो लॉस हुआ है। मेरे भी समझे कि 12 लाख लॉस हुआ था। तो आप लोग ऐसा कांटेक्ट में थे क्या कि लॉस होगा तो दोनों जन उसको करेंगे कि आपने ऐसे कर्ज लिया था? जैसे आप मुझे से माल लीजिए। हाँ। है? हाँ हाँ। मेरा उस लाइन लॉस हो रहा है। हाँ हाँ। तो आगे वाले से मैं मांगा। हाँ हाँ। भाई देंगे। हाँ। मैं भी आगे बोल रहा था देंगे देंगे। हाँ हाँ हाँ। ऐसे करते करते मैं भी अपना जगह छोड़ दिया। हाँ। मतलब ऐसे पैसा अटक गया पूरा, कहीं पैसा नहीं है। मतलब पैसा किसी और ने मार लिया अच्छा खासा, ना आपके पास आया ना सामने वाली पार्टी के पास। सामने वाला पार्टी के मैं तो कुछ दिया, कुछ उसको माल दिया। अच्छा, सामने वाले पार्टी को माल दिए थे? माल दिया। चलो बढ़िया है। दिल्ली और मुंबई का किस्सा, मैं दिल्ली नहीं गया हूँ अभी तक एक बार, तो मेरे को दिल्ली जाके देखिए। दिल्ली है दिल वाले का, बॉम्बे है पैसा वाले का। तो वहाँ पे पैसा नहीं है मतलब? आप दिल्ली में समझिए कि 2 महीने रह जाइएगा ना, दिल लग गया तो वहाँ पैसे की वैल्यू नहीं है। अच्छा, वहाँ पैसा नहीं है? पैसे की वैल्यू नहीं है। तो वहाँ पे लोग मोस्टली आप कहाँ पे रहते थे? मतलब कि वजीरपुर, वजीर मतलब आजादपुर मंडी है ना? हाँ, मंडी सुना हुआ आजादपुर मंडी। आजादपुर मंडी पूरा भारत के समझे कि सबसे बड़ा मंडी हुई है। क्या अनाज का मंडी है कि नहीं? भाजी मंडी, अनाज की भी है, फल मंडी भी है। अच्छा, सब उसी में? उसी में है। बहुत बड़ा मंडी है, मतलब दुनिया भर का सब सामान उधर आता है। लोग बोलते इतना पॉल्यूशन है दिल्ली में। देखिए, प्रदूषण तो है, मुंबई में प्रदूषण नहीं दिखता है क्योंकि यहाँ समुंदर है। समुंदर के भाव होता है ना, हवा जो आ रही है भाव मतलब सुबह आप
घास पे चलिएगा ना तो उसके पानी मिलता है। अच्छा सीत। हाँ अच्छा ओस बोलते हैं। ओस हाँ ओस भी बोलते हैं। सीत है। तो ओस से क्या है कि प्रदूषण यहाँ के दब जाता है। यहाँ हरा भरा गाछ पे पौधा है कि यहाँ बम्बई का समझे प्रधानमंत्री बहुत अच्छा है कि पेड़ पौधा के काटने नहीं देते हैं। सीएम अपना कोई भी है मगर पेड़ पौधा के बहुत मनपता यहाँ है। दिल्ली में उतना नहीं है। दिल्ली में पेड़ पौधा नहीं लगा रही बम्बई। दिल्ली में इतना पेड़ पौधा के मतलब जहाँ मर्जी काट दो कुछ नहीं फर्क है। अच्छा यहाँ तो समझो कि बेगर बीएमसी से इजाजत के बिना काट नहीं सकता। टहनियाँ भी नहीं कटती। कट सकती है इसलिए कि बम्बई में ये चीज का बहुत अच्छा है। इससे क्या है कि शरीर के अपना ऑक्सीजन अच्छा ऑक्सीजन मिलता है। अच्छा हाँ, मिलता अच्छा ऑक्सीजन पेड़ों से क्या है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जो उसके अंदर से अच्छा जो अपने लिए रहता है ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं तो हम वो ले लेते हैं। हाँ तो इसलिए पेड़ तो इसलिए तो गवर्नमेंट बोलती है कि पेड़ लगाओ। सब लोग बोलते हैं पेड़ लगाओ ताकि अपने को अच्छा मिले ऑक्सीजन मिले। दिल्ली में वो चीज़ें नहीं होती। दिल्ली में वो चीज़ नहीं है मेन। और उधर वो भी प्रॉब्लम है ना पंजाब वंजाब सब खेत साइड में जो प्रदेश है उनके तो खेत ज़्यादा तो पराली वराली जलती है सब तो उसका धुआं आता है ना। जो समझिए कि सिटी क्यों कहता है। हाँ। जैसे बम्बई सेंटर है तो यहाँ साफ सुथरा के लिए समझिए कि मनपता है। हाँ। दिल्ली में हर जगह जाइएगा थोड़ा बहुत कचरा उचरा मिलवे करेगा। अच्छा वहाँ क्या है तेजाब फैटिक जो था ना। हाँ। बहुत चलता था। अच्छा। इसलिए प्रदूषण ज्यादा है। अब यही चीज आप गांव में जाइएगा तो आपको समझिए कि दिल्ली की हवा आप बिहार के चाहे यूपी की हवा खेतों का गांवों का वो अच्छा आपको ऑक्सीजन दे। यहाँ एसी या पंखे में सोते हैं। हाँ वहाँ पंखा भी नहीं रहेगा ना तो भी अच्छा आराम से नीम के पेड़ के नीचे मस्त खटिया भी जाके सो जाओ आराम से सो जाओ है ना। हाँ तो गांव में तो वो चीज़ है। गांव का बात ही अलग है। गांव में तो एसी पंखा सब पेड़ है पेड़ पौधों से मिल जाता है अच्छा खासा। मेरे को समझना था दिल्ली और मुंबई के बीच में जो कि मुझे इतना समझ में आया कि दिल्ली में जो है साफ़ सफाई उतनी नहीं हो रही क्योंकि देश का राजधानी उसको साफ़ सफाई आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तो मैं गया नहीं हूँ। हो सकता है सरकार मेरे से लेता है। अच्छा हाँ सरकार मुझे देता नहीं है। हाँ, मेरे ही से लेता है। हाँ, तो ले मैं देता हूँ सरकार को तो मुझे देने के क्या फ़ायदा उनको। तो वही तो अब ये है कि जो हम दे रहे हैं उससे क्या है कि अपना वातावरण के साफ सुथरा करके चले उसे देखिए मोदी के क्यों आदमी चाह रहा है अब क्यों आप बताओ क्योंकि तो उसके वातावरण है ना हर एक के दिल में लग रहा है। अच्छा मतलब ऐसा क्या आपको क्यों लग रहा है क्योंकि ये ऐसा लग रहा है ना कोई अपने देश के ऊपर चढ़ाई करता है तो मोदी पहले खड़ा होकर उसको जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा तो वातावरण में समझिए कि ये चीज़ हमारे प्रधानमंत्री है जो पहले कुदूक रहा है तो उसके पीछे तो हम भी जाएंगे ना। मतलब नेतृत्व तो अच्छा मिला हमारे देश को इस बार प्रधानमंत्री मोदी के जो चेहरा है ये हमारे देश का बहुत अच्छा वो मिल गया है ना कि मतलब लीड कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं। इंदिरा गांधी से अच्छे लगते हैं क्या? देखिए उस समय सस्ता जमाना था मतलब लेकिन कंपैरिजन करूं मेरी बात सुनिए समझ रहा हूं मैं सस्ताई जमाना था। इंदिरा गांधी चाहे महात्मा गांधी चाहे राजीव गांधी के पढ़ते दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अच्छा ये बात कि प्रधानमंत्री मोदी जी है तो कोई दिक्कत नहीं है मगर क्या है कि उस समय में वो इतना अच्छा करके गए कि आगे उसी के समझिए के समाधान पे आगे इंसान बढ़ते गए। मतलब उन्होंने एक रास्ता बनाया जिसके रास्ता बना चल रहा। मतलब आपकी पसंद इंदिरा गांधी पहले रहेंगी बाद में मोदी जी रहेंगे। चलो अच्छा दोस्तों बहुत हमारी बातचीत हो गई अंकल से और नारियल पानी के साथ साथ देश दुनिया की बातें कर ली हम लोग। आई थिंक आप लोगों को ये सब चीज़ें जो दिखाया जो बात की हम लोग आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट और थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस रहेगा उसके लिए थोड़ा माफ़ कर देना मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी सख्त हुई पड़ी क्योंकि तबीयत खराब है। थैंक यू सो मच मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट अंकल से बोलो अंकल बोलो सब्सक्राइब करने के लिए बोलो सब्सक्राइब तो करो सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करो अंकल ने बोल दिया। चलो थैंक यू।